हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, ईएनटी स्पेशलिस्ट। दोस्तों बहुत बार हमारे यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया चैनल्स पे पूछा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान बंद होते टाइम हमें डॉक्टर नोज में ड्रॉप डालने के लिए क्यों सलाह देते हैं। दोस्तों कान बंद रहने का रीज़न मेन बहुत बार ये रहता है कि जुकाम खांसी हो और अपना नोज कंजेस्टेड होने की वजह से जो स्टिकन ट्यूब होती है नोज और ईयर का जो एक वेंटिलेशन ट्यूब होता है उसको स्टिकन ट्यूब बोलते हैं, कई बार वो कंजेस्टेड होने की वजह से स्टिकन ट्यूब डिसफंक्शन हो जाता है और उसकी वजह से अपने कान में कई बार ग्लू ईयर जैसी समस्या हो जाती है, कई बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए नोज में डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप ज़ाइलोमेटाजोलिन की सलाह दी जाती है, जिससे नोज का ब्रीदिंग अपना बेटर हो जाए और स्टिकन ट्यूब की ओपनिंग है इनर एंड ऑफ द स्टिकन ट्यूब जो कि नेजोफेरिंक्स में होता है वो ओपन हो जाए और स्टिकन ट्यूब का वेंटिलेशन प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाए, मिडिल ईयर में जो कोई फ्लूड कलेक्ट हो गया है तो वो प्रॉपरली ड्रेन हो जाए, इसीलिए नोज में नेजल ड्रॉप की अपने सलाह दी जाती है।